बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, खास करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारे पोर्टल के जितने भी साथी हैं, आपको धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के आवाज को गांव गांव तक नहीं कोई पहुंचाते हैं और आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पे आप लोग समक्ष में अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। साथियों, आप सबको जैसे जानकारी है कि 25 जुलाई 2023 को वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा हमने निकाला, जो तीनों राज्य में, यूपी, बिहार, झारखंड, तीनों राज्य में जाएंगे और 80 जिला हम लोग कवर करेंगे। 101 दिन का ये यात्रा है और 4 चरण में हमने इसको बांटा है और 1 चरण कल ही समाप्त हुआ है हमारे समस्तीपुर जिला में और 2रा चरण में हम कल से मधुबनी से जाएंगे। और समाज का पूर्ण भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है, पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में जहाँ पे भी कार्यक्रम हो रहा है, लाखों की संख्या में युवा जुट रहे हैं और पहले जैसा लोग अभी नहीं रहे। मोदी जी के कारण डिजिटल इंडिया का लाभ हमको भी मिल रहा है, जो आज यूथ जो है मजबूती से साथ दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके घर, उनके बच्चे, उनके आने वाला पीढ़ी को कैसे भविष्य बेहतर हो। हमारी मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में क्यों नहीं? जब देश एक है, देश के चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी एक है, गृह मंत्री जी एक है, तो भला हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा? तो इसके लिए हम लोग निरंतर लगातार सभी जिला में घूम रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर रहे हैं कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर रहे हैं कि हम समाज की एकता के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर परिस्थिति में हम संघर्ष करेंगे। तो ये सारे चीजों को लेकर और एक एक अभी तक तकरीबन हम लोगों ने 10 लाख के आसपास में गंगा जल लेके समाज के लोगों ने संकल्प ले लिया है और इसको और गति देने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। पार्ट टू में हमने इसका निर्णय रखा है कि कम से कम 1.5 करोड़ निषाद को संकल्प कराया जाए और 28 तारीख को ही पटना से ही हमारे सैकड़ों गाड़ी रेडी हो रहा है और सभी को प्रभार दिया जा रहा है कि प्रखंड स्तर पे टीम बना के एक एक गांव में जाके कोई ऐसा गांव ना रह जाए कि वहाँ छूट जाए समाज के लोग संकल्पित होने से। तो इसके लिए भी हमारा पार्ट टू भी हम लोग अभी 28 तारीख को पटना से रवाना करेंगे, उसके आगे भी धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ते रहेगा और बहुत ही भरपूर सहयोग मिल रहा है। और खास करके आप लोग भी, जितने भी नेशनल चैनल, तो निश्चित तौर पर उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है लेकिन जितना मिलना चाहिए, लेकिन उनका भी सपोर्ट मिल रहा है और खास करके जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल है या बिहार के रीजनल चैनल है, सबका भरपूर सहयोग मिल रहा है और गाँव गाँव तक, एक एक लोगों तक हमारी बात को पहुँच रहा है, आवाज़ पहुँच रहा है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ। देखिए, मैं संभावना ढूंढ नहीं रहा, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संभावना ढूंढ नहीं रहे। हमारा संभावना बहुत अच्छा बॉम्बे में था, बॉम्बे की जिंदगी, ऐशोआराम की जिंदगी छोड़कर और गांव में, बिहार में आए हैं तो अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। और हरी सहनी जी जो हमारे समाज का ही बेटा है, बड़े हैं, बड़ा भाई समान है, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता बनाया, उसके लिए बधाई है उनको। और वो, उनको जो दायित्व मिला है वो काम करें। हमारा भी लक्ष्य है कि यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 1 लोगों को सम्मान दिया है, 4,99,99,999 लोगों को अभी भी वंचित है। तो इनके लिए हम लोग काम करेंगे, बाकी अब जो लोगों को जो दायित्व मिला वो अपना देखे। और उनसे मैं बड़े भाई होने के नाते उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी कभी वीआईपी पार्टी का सदस्य बने थे और आपने अपने पूर्वज को साक्षी मानकर आपने संकल्प लिया था, कसम खाया था कि भारत वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी के उद्देश्य को पूरा करेंगे और अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो कृपया करके आप जो उद्देश्य, आपने संकल्प लिया था, उसको पूरा करें, जहां पे भी रहे स्वस्थ होके अच्छे काम करें, मेरा शुभकामना है उनको। देखिए, आज देश और दुनिया सबको पता है और आपको भी पता है, मुकेश सहनी को एमएलसी नहीं मिला, उसके बदले में उनको एमएलसी बनाया गया। उसके बाद मुकेश सहनी को रोकने के लिए आपने, मैंने 25 तारीख को ही हमने कह दिया था कि हमें लोग धमकी दे रहे हैं कि आप बात मान लीजिए नहीं तो विधान परिषद में आपको सामने नेता खड़ा कर देंगे। हमने कहा था कि आप कर लीजिए, आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को भी पता है कि आज से 6 महीना पहले, एमएलसी बनने से पहले आप लोग कितना लोग जानते थे। और मोदी जी से फायदा जो हमको मिला है, डिजिटल इंडिया जो आज पूरे गांव में
कहीं पे भी जाइए तो अभी लोग पहले जैसा पूर्वक नहीं रहा, बहुत समझदार हो गया। आज का युवा के पास मोबाइल आ गया और उसमें टच स्क्रीन वाला मोबाइल है और वो देख रहा है देश दुनिया में कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कौन पीछे जा रहे हैं, किनको लोग खत्म करने के लिए कैसे लाया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि हरीश सैनी जी को नेता बनाया गया। कल तक वो मान रहे थे भारतीय जनता पार्टी कि बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर है और नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए सम्राट चौधरी जी को लाया गया, उनको नेता बनाया गया। और आज मुझे खुशी है कि आज वो मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फैक्टर नहीं है, मुकेश सहनी फैक्टर है, इसलिए सम्राट चौधरी जी को आनंद फानंद में उनको उतार दिया कुर्सी से और आनंद फानंद में हरीश सहनी जी को बैठा गया। इस बात से मुझे खुशी है कि लोग मुझे अभी समझने लगा कि बिहार में एक हम फैक्टर बन गए हैं। और सम्राट चौधरी जी को कोई खुशी से नहीं उतरे हैं, सम्राट जी को बहुत तकलीफ हुआ है। कल तक कुशवाहा समाज को लगता था कि मेरे समाज में से कोई एक नेता को लाए हैं और उनको खुशी मिलता था, लेकिन उनको उतारने के बाद उस कुशवाहा समाज से पूछे कि उनको कैसा लग रहा, और खुद सम्राट चौधरी को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक खास करके जब भी उनको उतारा गया तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे और खास करके फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट लगाया था, तूफानों से आंख मिलाकर सैलाब को पार करो और मल्ला के चक्कर छोड़ो, तैरकर दरिया पार करो। यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मल्ला समाज के बारे में इस तरीके से कोट लिखा गया, जब उनको दिल्ली से बात हुआ तो 24 मतलब कुछ ही घंटे में इसको डिलीट किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी से दर्शाता है कि कितना उनको बेइज्जत करके उनको कुर्सी से उतारा गया। खास करके मैं बताऊंगा कि मल्ला शब्द जो है, कभी भगवान श्री राम जी भी मल्ला के बगैर पार नहीं हुए थे। तो आज के समय में युग में अगर कोई सोचे कि मल्ला का चक्कर छोड़ो और खुद पार लग जाए तो यह असंभव है। जब राम जी को मल्ला जरूरत पड़ा था, केवट महाराज जरूरी गिरा, तो आज भी मल्ला का जरूरत होगा। और मैं तो अभी भी आग्रह करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया था कि हम देश के हर वर्ग के लिए काम करेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, हर किसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अभी भी आग्रह करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी 5-6 महीना और हैं अभी देश में, और हम आग्रह करेंगे कि वो निषाद को आरक्षण, जो हम देश के संविधान के दायरे में रहकर मुझे आरक्षण चाहिए, हम नहीं चाहते कि हम पे कोई मेहरबानी करे। आरक्षण ऑलरेडी बिहार देश में मिला हुआ है, निषाद को सिर्फ ओबीसी में रखा गया, ओबीसी से निकालकर एससी में जोड़ना है। और ये काम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अभी पिछले महीना ही एक राज्य में अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड में उत्तराखंड में या कहीं पे, मतलब कोई राज्य का याद नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ में वहां पे गोंड समाज को आरक्षण लागू किया गया। तो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लाखों यूथ सभी समाज के हर वर्ग, माता बहन सभी नौजवान मजबूती से वीआईपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सभी लोग संकल्प कर रहे हैं। हर पार्टी का लाइन होता है कि वो 20 सीट पे तैयारी कर रही है, 30 पे कर रही है, आप क्या 40 पे कर रहे हैं या कुछ और सोच रखा है? देखिए, अभी हम सीट के ऊपर तैयारी पे नहीं जा रहे हैं, हमारी तैयारी 134 लोकसभा सीट है तीनों राज्य में, उस पे हमारी नजर है। जो हमसे दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जो हमसे दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। और जब हमसे 60 का फायदा होगा तो निश्चित तौर पर हम भी चाहेंगे हिस्सेदारी अच्छा हो, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी है तो जब चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जिधर हम जाएं 60 सीट का अगर फायदा दे रहे तो उसके अनुरूप हमें फायदा पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमें सीट मिले। फिलहाल तो हम सीट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी निषाद को आरक्षण लागू कर दे तो हमें एक भी सीट नहीं देंगे तो भी मंजूर रहेगा, हम बेगर कंडीशन भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री जी को समर्थन देंगे और उनको मदद करेंगे। और कुछ मुकेश जी, जो प्रेशर पॉलिटिक्स आप कर रहे थे, लग रहा है कि दांव उल्टा पड़ गया? बिल्कुल ही नहीं, आपको इतना सारा चीज में आपको समझ में आना चाहिए, कोई उल्टा नहीं पड़ा, मुझे खुशी है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।